नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो T20 सीरीज खेले जाने वाली है उस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का चयन हुआ है। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप न्यूजीलैंड टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन के अलावा ट्रेंट बोल्ट को पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में वापस बुलाया गया है। यह दोनों 3 मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए टीम में उपलब्ध रहेंगे। पहला मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा मैच 20 दिसंबर को और तीसरा मैच 22 दिसंबर को खेला जाएगा। टीम में हालांकि रॉस टेलर को नहीं चुना गया है, ग्लेन फिलिप्स और डेविड कॉनवे को टीम में शामिल किया गया है। पहले T20 मैच में मिचेल सेंटनर को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड ने एक बयान में कहा है कि वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के लिए 3 दिन बाद ही T20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत हो रही है। विलियमसन और बोल्ट टीम साउथी, काइल जेमिनसन और डाली मिशेल के साथ दूसरे और तीसरे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब दोस्तों न्यूजीलैंड टीम के पहले T20 के लिए मिचेल सेंटनर कप्तान, डॉट एस्ले, डग ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, ड्वेन कॉनवे, जेकब डफी, मार्टिन गप्टिल, स्कॉट कुगलेन, जिमी निशम, ग्लेन फिलिप्स, टीम शिफर्ट, ईश सोडी और बैर टिकनेर। दोस्तों ये पहले T20 के लिए स्क्वाड होने वाला है। न्यूजीलैंड टीम की बात करें दूसरे और तीसरे T20 के स्क्वाड की, तो केन विलियमसन कप्तान होने वाले हैं, डॉड एस्ले, ट्रेंट बोल्ट, ड्वेन कॉनवे, मार्टिन गप्टिल, काइल जेमिनसन, स्कॉट कुगलेन, डाली मिशेल, जिमी निशम, ग्लेन फिलिप, टीम शिफर्ट, ईश सोडी और टीम साउथी। दोस्तों ये तीनों 20 के लिए न्यूजीलैंड टीम का स्क्वाड होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।